मैं किशन गुप्ता, अजमेर शहर व्यापार महासंघ अध्यक्ष, सब अजमेर के निवासियों और अजमेर के व्यापारियों को धनतेरस और दीपावली की शुभकामना देता हूँ। और मेरा कस्तूरी परिधान, जो मेरी प्रतिष्ठान है, यह सभी के लिए बहुत अच्छा व्यापार चलने की सबको उम्मीद देता हूँ। और मेरा यह कहना है कि यह दीपावली त्यौहार, जो बहुत हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा त्यौहार कहलाता है, इस बार व्यापार अच्छा चले और हर व्यापारी के लिए सुख समृद्धि हो, लक्ष्मी जी की कृपा हो और धन धान्य से भरपूर हर व्यापारी अपना व्यापार करे। धनतेरस के अवसर पर धनवंतरी जयंती हर्षोल्लास से मनाई गई। इस मौके पर धनवंतरी पूजा अर्चना करते हुए सभी के स्वस्थ रहने की कामना की गई। अजमेर के आयुर्वेदिक निदेशालय में आज अधिकारियों और कर्मचारियों से धनवंतरी भगवान की पूजा अर्चना की गई। इस मौके पर आयुर्वेदिक के जरिए किस किस तरीके से व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ रख सकता है और आयुर्वेदिक कितना बेहतर काम करता है, इसकी भी जानकारी दी गई। आयुर्वेदिक की स्थापना धनवंतरी भगवान की ओर से की गई थी। ऐसे में आयुर्वेदिक की ओर से विभिन्न योजनाएं भी चलाई जाती है, जिससे कि अलग अलग समस्याओं से पीड़ित व्यक्ति अपनी बीमारी से बाहर आ सकता है। इस मौके पर विशेष पूजा अर्चना करते हुए सबके स्वस्थ रहने की कामना की गई है। सभी शहरवासियों को मेरा नमस्कार। इस दिवाली पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामना एवं बधाई। महालक्ष्मी का आशीर्वाद आप पे हमेशा बना रहे, अन धन के भंडार भरपूर रहे और आने वाले नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दिल से। मैं आप सभी से अपील करना चाहूँगा कि आगामी चुनाव के अंदर 25 नवंबर को सभी अपने घर से बाहर निकलें और वोटिंग करें। राजस्थान में एक अच्छी सरकार को दोबारा मौका दें, जो आप सभी के काम अच्छी तरह जैसे सुगम चल रहे हैं वैसे ही कर आगे भी चल सकें। दोबारा दिवाली पर्व की आपको हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। हाँ जी, मैं सूरज प्रकाश पोंगा, वित्तीय सलाहकार आयुर्वेद, और आज की पूजा भगवान धनवंतरी की गई ताकि हमारे प्रदेशवासियों को स्वास्थ्य लाभ मिले। और हमारा आयुर्वेद विभाग का नैतिक दायित्व है और प्राइमरी कर्तव्य भी यही है कि हम सभी को स्वस्थ बनाएं और कोई अगर अस्वस्थ हो जाए तो उसको भी स्वास्थ्य प्रदान किया जाए, ऐसी हमारी मंशा रहती है। हमारे डिपार्टमेंट की कई स्कीम्स हैं जिसका लाभ जनता आके हमारे डिस्पेंसरीज में, अस्पताल में ले सकती हैं। और आज हमने भगवान धनवंतरी के अवतरण दिवस पर जो कलश लेके स्वास्थ्य लेके उपस्थित हुए थे, उन्हीं को एक प्रणाम करने के लिए, उनका सत्कार करने के लिए यहाँ ये पूजा आयोजित की गई थी, जिसमें हमारे सब स्टाफ उपस्थित हुआ है, उसी के लिए हमने पूजा किया। ये निदेशालय आयुर्वेद अजमेर में स्थित है और इसमें हमने सबने स्टाफ ने मिलकर पूजा किया। मैं सूरज प्रकाश मंगवा, वित्तीय सलाहकार अजमेर।